हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का ये वीडियो है डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बतलाने वाले हैं कि एमएस एक्सेस से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसके पहले हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स और पीसी पैकेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल क्वेश्चन पेपर का भी वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी जानकारी यदि आपको नहीं है तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन दोनों वीडियो को भी जो है जरूर देख लीजिए। इसके अलावा हम यहां पर आपको बतला दें कि यदि क्वेश्चन पेपर आपको पैटर्न नहीं मालूम तो यहां से हम पैटर्न भी आपको समझ में जाएगा। तो 80 मार्क्स का पेपर होता है, 32 पासिंग मार्क्स होते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र पर जो है आपको 5 इकाइयों में विभाजित होगा आपका प्रश्न पत्र, अंदर जो है वो आंतरिक विकल्प दिया होगा। बाकी इंस्ट्रक्शन आप जब पेपर मिलेगा तो पढ़ सकते हैं या यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है। उन्हीं इंस्ट्रक्शन को आपको इंग्लिश में दिया गया होगा, तो ये इंस्ट्रक्शन इसलिए हमने बता रहे हैं ताकि आपको पहले से इसकी जानकारी हो जाए, ताकि जब आप मेन एग्जाम में जाएं तो आपको वहाँ समय न लगे, ज़्यादातर समय आप जो है लिखने में दें, आपको पहले से एक्सपीरियंस हो जाए कि इस तरीके का क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आने वाला है। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, यहाँ पर आप अपना रोल नंबर डाल दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं एमएस एक्सेस में किस प्रकार के क्वेश्चन जो है इस यूनिट से इंपॉर्टेंट हैं, जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को क्यों यूज किया जाता है, इंटीग्रिटी रूल से आप क्या समझते हैं, अथवा डेटा नॉर्मलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अधिकतर पूछा जा रहा है, डेटा नॉर्मलाइजेशन को समझाइए। एमएस एक्सेस में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसमें आपको टेबल, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, क्वेरी, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना होगा। यूनिट सेकेंड में चलते हैं, एमएस एक्सेस में डेटा टाइप को समझाइए, एमएस एक्सेस में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन दिया गया है एमएस एक्सेस में टेबल कैसे बनाते हैं, तो इस यूनिट में टेबल बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट। अथवा पूछा जा सकता है इस यूनिट से कि एमएस एक्सेस में डेटा को फाइंड एंड रिप्लेस और सॉर्ट एंड फिल्टर कैसे किया जाता है, समझाइए। तो यहां पर अथवा देने का मतलब केवल आपको पैटर्न बतलाना है, बाकी आप यदि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहां पर दिए गए हर यूनिट से चारों क्वेश्चन को जो है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, तब आपको जो है वो पेपर आसान लगेगा और बनेगा। इसके अलावा एमएस एक्सेस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑप्शन को समझाइए। चलिए यूनिट थर्ड की तरफ चलते हैं, एमएस एक्सेस में क्वेरी से क्या समझते हैं, क्वेरी कैसे बनाते हैं, एमएस एक्सेस में रिलेशनशिप क्या है या कितने प्रकार की होती है, इसे कैसे बनाते हैं, डुप्लीकेट क्वेरी और अनमैच्ड क्वेरी को समझाइए। इसी प्रकार से एमएस एक्सेस में जॉइंट टाइप से आप क्या समझते हैं, चलिए यूनिट फोर्थ में चलते हैं, एमएस एक्सेस में फॉर्म से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स किस प्रकार से, टाइप्स बतलाइए फॉर्म के, एमएस एक्सेस में फॉर्म कैसे बनाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इसी का अथवा में आ सकता है, फॉर्म में हेडर फुटर क्या होते हैं या फॉर्म में कंट्रोल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यूनिट फिफ्थ में रिपोर्ट दिया गया है, तो रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिपोर्ट क्या है या कितने प्रकार की होती है, या एमएस एक्सेस में लेबल से आप क्या समझते हैं और इसे कैसे बनाते हैं, एमएस एक्सेस में रिपोर्ट कैसे बनाते हैं समझाइए, या एमएस एक्सेस में सिंगल टेबल रिपोर्ट या मल्टी टेबल रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। तो एमएस एक्सेस में इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि इसकी डिटेल चाहिए है आपको तो यहाँ पर हमने इसके पीडीएफ बनाए हुआ है, जिसमें शुरुआत में सिलेबस है, सिलेबस के बाद हर यूनिट से जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं इंपॉर्टेंट के अलावा, हर एक टॉपिक को हमने यहाँ पर जो है वो पीडीएफ के रूप में बतलाया है। तो इस पीडीएफ को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अपनी वेबसाइट में एमएस एक्सेस से रिलेटेड सभी वीडियोस की पूरी लिंक जो है, सभी टॉपिक्स की लिंक लगाई हुई है। यदि आप उस वेबसाइट के वेब पेज को भी एक्सेस करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के जरूर आप एक बार देखिए, एग्जाम की तैयारी में आपका बहुत फायदा होगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में जरूर बतलाएं, और किस विषय से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में फटाफट टाइप कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी फायदा हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।